जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा बहन जी का जीवन चरित्र आइए अब कल से आगे सुनते हैं। इतर बंधनों से मुक्ति और श्री कृष्ण सेवा पूजा में दृढ़ रति। ज्ञान नम्रता का द्योतक है, विनय का प्रतीक है और संतोष का अर्जक। वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सभी गुण भूषण के समान जीवन में समा जाते हैं, सुशोभित होने लगते हैं। नम्रता ज्ञानी का सहज स्वभाव है। प्रायः हम देखते हैं नदियाँ स्वयं जल नहीं पान करती और वृक्ष स्वयं फल ग्रहण नहीं करते, परोपकार हेतु ही उनका जीवन होता है। फल लगने के पश्चात वृक्ष झुक जाते हैं, भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं। इसी प्रकार सज्जनों का जीवन गंभीर होता है। मानवता के सभी आवश्यक सोपान उनके जीवन में विद्यमान रहते हैं। संतजनों की बात तो बिल्कुल ही अलग है। प्रतिष्ठा उन्हें चाहिए नहीं, ईर्ष्या और द्वेष उनके जीवन में होता ही नहीं। जगत ख्याति से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। अतः संतों का जीवन पर हिताय ही होता है। पहले तो वे किसी प्रकार के विवाद का विषय बनते ही नहीं और यदि कहीं इस प्रकार की गंध उन्हें मिलती है तो अपने को वहाँ से स्वतः ही अलग कर लेते हैं। जहाँ सभी के हित की भावना एक स्वभाव बन स्थायी हो जाती हो तो किसी के कष्ट का हेतु बनने का प्रयोजन ही क्यों। बहन जी के जीवन में एक ऐसी ही घटना का योग सहज बना। परिस्थितियों के अनुकूल सब सहज हुआ, परंतु लोकेशणा के प्रति सर्वथा उदासीन बहन जी ने स्वयं को वहाँ से तटस्थ कर हटा लिया। अध्यात्म प्रधान जीवन यापन करने के साथ साथ भी अनेक कार्य श्री उषा बहन जी को करने पड़े। अनेक कर्तव्यों का सोत्साह निर्वाह भी किया। भारत स्वतंत्र हो ही चुका था। राष्ट्रीय भावना तथा कांग्रेस के कार्यों में अब मन उतना नहीं लगता था। लक्ष्य विशेष स्वतंत्रता प्राप्त हो ही चुकी थी, वहाँ से मन हटने लगा था। इधर काव्य जगत में भी प्रचुर ख्याति हो चुकी थी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति की प्रशंसा अथवा ख्याति चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाती है, जहाँ अनेक जनों में वह सब प्रसन्नता का विषय बन सराहनीय हो जाती है, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी सदैव उनसे जुड़ते हैं जिन्हें सब सालता है। और जब कभी वह सब एक ही क्षेत्र के दो व्यक्तियों में स्पर्धा का विषय बन जाती हो तो ईर्ष्या का भाव हो जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। अंबाला छावनी में ही एक अन्य परिवार, उनकी वयस्का पुत्री, उसका नाम तो मैं नहीं देना चाहूँगा, कि कविता लिखने में अभिरुचि थी। बिना शक वे बहुत अच्छा लिखती थी, परंतु बहन जी के काव्य के सामने उस सबको कोई स्थान नहीं मिल सका। उस लड़की के भीतर दावानल सुलगता रहता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो लोग ख्याति और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ लगाते हैं प्रायः वे इस सबसे वंचित ही रहते देखे गए हैं। और जिन्हें इन सब से कोई सरोकार नहीं रहता, ख्याति उनके चरणों में विलुंठित हो धन्या होने की बाट जोहती रहती है। यही सब बहन जी पर पूर्णतः लागू हुआ। उनका काव्य, उनकी अनुभूति, उनके हृदय के भाव एक स्वाभाविकता में उनके हृदय से प्रस्फुटित हुए, जिसका प्रभाव चारों ओर छा गया और उनके व्यक्तित्व के सामने अन्य कोई भी उतनी गहराई से न टिक सका। उनकी यह ख्याति उस परिवार के लिए ईर्ष्या और द्वेष का कारण बनती चली गई। उस परिवार वालों के अंदर ही अंदर बहुत कष्ट होता, परंतु निदान उन लोगों के हाथ में कुछ भी न था। ईर्ष्या उस परिवार में एक घुन सा बन सालने लगी थी। बात फैलती हुई धीरे धीरे श्री उषा बहन जी तक भी पहुँची। यह बात उन्हें सहन ही किस प्रकार होती। उनके कारण से किसी को दुख हो, यह सब बहन जी सहन ही कैसे करती।
अपने न्याय ग्रंथ को देखते देखते माँ जाह्नवी की लोल लहरियों को। जिस प्रकार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने समर्पित कर दिया था, बहन जी ने भी अपने सभी सामाजिक पदों से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस का अध्यक्ष पद वे छोड़ ही चुकी थी। अपने सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो बहन जी श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में अधिकाधिक रत रहने लगी इन्हीं के समकालीन अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता आज राज्य तथा केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पंडित श्री केशवानंद जी ने कहा था, या तो इसे विदेश जाना पड़ेगा, अन्यथा यह वैराग्य तथा तितिक्षापूर्ण निश्चल तथा प्यार से ओतप्रोत अपनी विचारधारा से सभी को प्रभावित कर एकांत साधन में रत एक पूर्ण सिद्ध संत का जीवन यापन करेगी। वही हुआ। अपनी समस्त ख्याति तथा ऐश्वर्य का परित्याग कर जिस आदर्श रहने से ब्रज में ये रहीं, वह अत्यंत कठिन तो था ही, प्रत्युत इसका दूसरा उदाहरण आज के युग में खोजने पर भी मिल पाना दुर्लभ है पंडित जी की बात इनको लग गई। वे अवसर की खोज में रहती ही थीं। अकस्मात यह संयोग बना और उन्होंने इस आग्रह प्रशंसा के प्रति उदासीन हो अपने को सभी प्रतिबंधों और अनुबंधों से अलग कर लिया। मंच पर न जाने का लगभग निर्णय ले लिया। एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के तथा समुद्र स्नान करने के उपरांत इन्होंने कहा था, विदेश जाने का योग अब समुद्र दर्शन मात्र से पूर्ण हो गया है। श्री ठाकुर सेवा उपासना के क्षेत्र में जहाँ ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है, वहीं साकार उपासक भक्तों के लिए उनके इष्ट श्री राम और श्री कृष्ण की उपासना को ही प्रधानता दी गई है। अतः उन्हीं श्री राम और श्री कृष्ण की सेवा का विधान पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। जिन श्री विग्रह स्वरूप की हम निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं, वहाँ उनका प्राकट्य हो जाता है। प्राकट्य ही प्रत्यक्ष हो हमारे इष्ट रूप में सतत सन्निधि प्रदान करता है। वे श्री कृष्ण वहीं हमारी भावनाओं को केंद्रित कर वहीं से प्रकट हो हमारी भावनाओं को पोषित करते हैं। हमारे पास आकर इतना पास जितना हम एक दूसरे के हो सकते हैं। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी द्वारा 24 निष्ठाओं में एक पूर्ण निष्ठा श्री ठाकुर सेवा भी स्वीकार की गई है। इसी की पुष्टि शास्त्रों और पुराणों ने भी की है। तन मन से जब हम अपने प्राण प्रेष्ठ की सेवा में रत हो जाते हैं, तो सेवा ही प्रीति में परिणित हो जाती है। प्रीति प्रगाढ़ होकर हमें उनका भान कराती है और अधिक पुष्ट होकर उनकी सन्निधि का योग जुटाती है। फिर होती है उनकी मधुर रसमयी वार्ता, संस्पर्श और हाँ, तो हमारी चरित्र नायक श्री उषा बहन जी सामाजिक अनुबंधों से तथा अन्य प्रतिबंधों से सभी कार्यों से उपरत हो श्री ठाकुर सेवा के लिए उन्हें अधिकांश समय अब मिलने लगा। बात यूं हुई कि श्री उषा बहन जी की दादी का परलोक गमन हो गया। सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा दादी की रुग्ण अवस्था में ही इन्होंने संभाल ली थी। अब वह सेवा की संपूर्ण व्यवस्था सहसा इन्होंने स्वीकार कर ली थी। सेवा में एक नवीनता का उदय हो गया। श्री ठाकुर जी का उत्थापन, उनका श्रृंगार, भोग, राग, शयन तक की पूरी सेवा का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया। कभी कभी जब किसी विशेष कार्य से बाहर जाना पड़ता, तो यह सुअवसर पिता तथा बहनों को भी प्राप्त होता। मुख्य रूप से श्री ठाकुर जी के सभी कार्य नियमित रूप से स्वयं ही करती थी। इनके सेवा भाव को जान पाना किसी के भी सामर्थ्य की बात नहीं है। यह सेवा केवल कर्तव्य भर न थी, उसमें इनके मन का योग था, प्राणों का अभिनिवेश था और आत्मा का समर्पण था। तन स्वतः अनुगामी होकर कार्यरत रहता था। श्री ठाकुर जी के लाड चाव में ही समय बीत जाता। अन्य कार्य करने पड़ते थे, करती भी थी, परंतु हृदय का एक विशेष लगाव
मन का तारात्म्य सदैव बना रहता था। यदि यह कहूँ कि प्रियतम श्याम सुंदर की सन्निधि इन्हें सतत बनी रहती थी तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। परोक्ष रूप से तो वे साथ रहते ही थे, साथ साथ अनेक बार हृदय के धन, प्राणों के प्राण, जीवन सर्वस्व, यह युगल सुंदर चलते फिरते, कार्य करते, विद्यालय में पढ़ाते, अपने मधुर संकेतों से, प्रणय पगे आश्वासनों से नव नव जीवन प्रदान करते रहते थे हाँ तो श्री ठाकुर सेवा में बहुत समय बीत जाता। श्री ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार धारण कराती तथा उसी भाव में रत रहती। इसी में प्रायः योग देती थी श्री सुशीला बहन जी, इनकी अभिन्न हृदया सखी। सेवा में अधिक समय लगता देख कभी कभी पिताजी कहा करते, तुम लोग सेवा में इतनी देर क्यों करते रहते हो? परंतु नारी हृदय की इस कोमल भावना को, प्रणय पगे कोमलतम नारी सुलभ आश्वासनों को, अपने प्राणों के प्राण, इन मधुर प्रणयी प्रिया प्रियतम से हृदय का क्या संबंध हो सकता है? कितना मार्मिक और हृदय स्पर्शी यह संबंध हो सकता है? यह कल्पना बिना नारी हृदय के भला कौन जान सकता है? अब तक जिस सेवा का आनंद अकेली ले रही थी, श्री सुशीला बहन जी के पुनः अंबाला चले जाने के पश्चात उस सुख में और अधिक वृद्धि होने लगी। श्री ठाकुर सेवा भगवत प्राप्ति के लिए विभिन्न आचार्यों द्वारा अनेकानेक मार्गों तथा सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। कर्म तथा ज्ञान की अपेक्षा आज के युग के लिए भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्ति पथ में भी अनेक धारणाएं तथा अभिमतों का निरूपण हुआ है। अपने इष्ट के प्रति मन का समर्पण ही रागानुगा मार्ग की उपासना के अंतर्गत माना गया है। श्यामा श्याम की प्राप्ति हेतु जिस भाव से हमारा मन सहज द्रवित हो जाता है, वही हमारा भाव है, वही हमारा स्वरूप है। उसी मार्ग से हमारी साधना पूरी होगी, यह सुनिश्चित ही है। वही मार्ग हमें गंतव्य पर ले जाने वाला है। तो अन्य सभी भावों मार्गों से विवेकपूर्ण सिमट कर हमें अपने निर्धारित मार्ग पर चल अभीष्ट को प्राप्त करना होगा। जब लक्ष्य स्थिर है, मार्ग सुनिश्चित है, गंतव्य स्थल पर सीधे पहुंचने का संकेत मिल चुका है, तो फिर अन्यत्र किसी भी विचार, कामना तथा लोभ का कोई औचित्य नहीं दिखता। भजन में अभिनिवेश हो जाने पर कहीं अन्यत्र आकर्षण हो ही नहीं सकेगा। श्री ठाकुर जी सेवा तथा प्रकट चरित्र। भज धातु सेवा के अर्थों में प्रयुक्त होती है। सेवा को ही भजन कहा गया है। सेवा और भजन का संबंध है। इसका रूप और परिभाषा स्वतः भजन ही है। यह एक कार्य नहीं है, एक बंधन नहीं है और न ही वाणी का विलास। यह एक संबंध है, एक निष्ठा है, एक भाव है और सर्वोपरि है मन का सहज द्रवण। इसका कोई बद्ध स्वरूप नहीं है। प्राणों का अपने प्रेमास्पद सेव्य श्री विग्रह स्वरूप ठाकुर के प्रति जिस कोमलतम तत्सुखे सुखित्वम की भावना से प्रीतिपूर्ण समर्पण हो जाता है, वही हमारे अपने सेव्य स्वरूप के प्रति हमारा भाव है। यह भाव अत्यंत आत्मीयता में पगा प्रगाढ़तम होकर जैसे जैसे परिपक्व होता है, वैसे वैसे ही सेव्य श्री विग्रह स्वरूप साकार हो जाते हैं। यही है भाव की परिपक्व अवस्था। श्री ठाकुर सेवा में जितनी प्रगाढ़ता से मन जाता है, अनुभूति की प्रगाढ़ता भी तदनुसार होती जाती है। श्री विग्रह सेवा निष्ठापूर्ण निष्ठा तो है ही, साथ साथ अनुभूति की जिस गहराई तक हमें ले जा सकने की क्षमता इसमें है, वह अनुभव गम्य ही है। भक्तों की प्रगाढ़ अनुभूतियाँ मूर्तिमान होकर क्षण क्षण, पल पल उन्हें आश्वासन देती रहती हैं तथा उनके जीवन की संजीवनी मूरी बनी पथ प्रदर्शक भी। श्री श्री रामानुजाचार्य जी ने
रंगनाथ भगवान को मूर्त किया। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज के लिए शालिग्राम जी सर्वेश्वर रूप में प्रकट हो उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत बने। इधर श्री मन चैतन्य महाप्रभु की लोक विख्यात गाथा भक्तों को आज भी श्री जगन्नाथ भगवान की लीलाओं का दिग्दर्शन करा रही हैं। ब्रज की निधि श्री श्रीनाथ जी के विलक्षण चरित्र से कौन भक्त हृदय अपरिचित होंगे। श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के लिए तो वे श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष थे ही। अष्ट छाप के सखाओं में उनकी प्रगाढ़ मैत्री तथा आत्मीयता का भाव रहा। श्रीनाथ जी उनके साथ खेलते, उन्हें मिलने के लिए जाते, स्वेच्छा से वहाँ का दुग्ध आदि की सेवा ग्रहण करते। वे उनके सखा रहे, सुहृद रहे, उनके प्राणों के प्राण रहे और जीवन सर्वस्व रहे। इधर श्री मदन मोहन जी की लीलाओं की परिणति नहीं है। सनातन जी का वैभव बढ़ाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही पूजनीय उषा जी के सेवे श्री ठाकुर जी के विलक्षण चरित्र, रसीली चेष्टाएं तथा प्रत्यक्ष अनुभूतियां अनेक भक्तों तथा महजनों ने अपने चर्म चक्षुओं से देखी हैं, अनुभव की हैं। भावुक भक्तों के लिए तो यह प्रकट हैं ही, बुद्धिजीवियों के लिए भी आकर्षण बने हैं। वे स्वयं तो प्रकट रूप में विराजमान हैं ही, आज अनेक महजन भी हमारे सामने साक्षी स्वरूप विराजमान हैं, अनुभूति भाव से संबंधित हैं। अतः इस जगत की चर्चा, इस जगत के परिप्रेक्ष्य में इसी सिद्धांत की कसौटी पर चमकती है। ये श्री ठाकुर जिनके सेव्य रहे, जिनके जीवन की संजीवनी मूरी रहे, जिनके प्राणों के प्राण रहे हैं, जिनके जीवन सर्वस्व रहे हैं, उनकी बात क्या कहें और कैसे कहें। श्री ठाकुर सेवा पूज्य उषा जी की इतनी विलक्षण थी, वे अधिक से अधिक श्री ठाकुर जी की सन्निधि में समय यापन करने लगी थी। घर में अध्यापन तथा अन्य कार्य करते हुए भी घंटों सेवा पूजा अर्चा तथा जप नियम आदि में बीतने लगे थे। इनके व्यस्त जीवन का संभवतः अनुमान लगा पाना सर्वथा असंभव है। फिर भी जो समय पाती सेव्य युगल की सन्निधि में ही व्यतीत करती। कई बार अनेक कार्यों से बाहर जाना भी पड़ता, परंतु इनके हृदय का तार सदैव सेव्य युगल से जुड़ा रहता। श्री ठाकुर सेवा में इनके मन का योग इतना अधिक रहा कि सेव्य युगल प्रत्यक्ष हो इन्हें रसमय संकेत देकर, अपनी सेवा की प्रेरणा देकर अनुभूति कराते रहते। इनके प्राण उन्हीं में बसते थे। जय श्री राधे, आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा बहन जी का